Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to discuss your class 12th history, chapter 13, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. My dear student, in the previous topic, in the previous class, we were discussing the circumstances in which Mahatma Gandhi launched their movement. The time period when a new leader who introduced himself in the Indian politics. The condition who directly or indirectly affected the all Indians people during World War, what happened, which type of awareness widely spread in whole Indian scenario, whole Indian environment, or humne. We have discussed also the some constitutional reform. हमने उन चीज़ों पर बात की. Today we will continue this topic and try to understand that Montague Chelmsford reform. Even it was also discussed by me in short in your previous video. But today I will try to explain these points in the very vast way, proper तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसे भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है. इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया था. यह निश्चित किया गया कि अनेक अधिकांश सदस्य चुनाव जीतकर आएंगे. प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया. डायरकी सिस्टम लागू कर दी गई. इस डायरकी सिस्टम का जन्मदाता लाओनिस कर्टिस था. इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा स्थानांतरित दो भागों में बांट दिया गया. आरक्षित विषयों के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जैसे फिनांस, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, जैसे फेमाइन को आदि को रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में रखे गए. इसका प्रशासन गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जिम्मे रखा गया. स्थानांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन आदि रखे गए. इसका प्रशासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से करता था. केंद्र भी द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई थी. डायरेक्ट सिस्टम के अंतर्गत आ गई थी. निचले सदन अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 144 मेंबर थे, जिसमें 41 को नॉमिनेट किया जाता था. और अपर सदन जो था, ऊपरी सदन जो थी, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसमें 26 को नॉमिनेट किया जाता था और 34 चुन के आते थे. गवर्नर जनरल तथा एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर विधानमंडल का कोई नियंत्रण न था. दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रांतीय सरकारों पर अबाध नियंत्रण था. उनकी वोट का अधिकार भी बहुत सीमित था. 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू ही पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, या स्थापना की जगह हम कहें लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया. पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन लाया गया. भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में पहली बार अधिकार दे दिए गए. प्रत्येक वर्ष बजट के प्रस्ताव दोनों सदनों में रखे जाते थे. 1919 के इस एक्ट द्वारा पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट ब्राह्मणों को सिखों को प्रदान करके सेपरेट इलेक्ट्रेट का विस्तार किया गया. 1909 में एज यू नो दैट ड्यूरिंग 1919 पार्लियामेंट रिफॉर्म द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स इंजॉयड द सेपरेट इलेक्ट्रेट. बट हियर इन 1909 एंड आफ्टर 1919 आफ्टर 10 ईयर लेटर द सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज एक्सपेंड. द ब्राह्मण्स and Sikh also became the part of separate electorate in the different regions, different provinces. Punjab mein Sikhon ko aur Madras mein Brahmanon ko prithak nirvachak mandal ka vistar de diya gaya. Is adhiniyam ke khand 5 mein is adhiniyam ke parit hone ke 10 varsh baad shasan vyavastha ki karan pralali ki jaanch ke liye ek samvaidhanik aayog niyukt karne ke sambandh mein bhi pravadhan rakha gaya.
और इसी प्रावधान के अंतर्गत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अगस्त 1918 भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए बंबई में एक विशेष सत्र बुलाया। इस सत्र में इन प्रस्तावों को निराशाजनक और असंतोषजनक बताकर इसकी पूर्णतः निंदा की गई और प्रभावी सुशासन की मांग रखी। तिलक ने इस अधिनियम को निराशाजनक और असंतोषजनक बताया तो कांग्रेस के दूसरे धड़े ने, लिबरल ने, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। अब दोनों धड़ों में, कांग्रेस के दोनों धड़ एक दूसरे के अगेंस्ट आ चुके थे। यही कारण था कि कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ 17 अगस्त 1918 को। कांग्रेस के वयोवृद्ध नेताओं ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और एक नया ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना कर दी। अब यहीं से एक नया चरण शुरू होता है। ये थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिफॉर्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिफॉर्ट जब भी आप लिखें तो दो तीन बातों को लिखें, कब शुरू हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अगस्त 1917 में, मॉन्टेग्यू घोषला हाउस ऑफ कॉमन्स में मॉन्टेग्यू के पढ़ने के बाद अस्तित्व में आई, और 8 जुलाई 1918 को जब मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र प्रकाशित हुई तो 8 जुलाई 1918 वो टाइम है जब मॉन्टेग्यू घोषणा पूरी तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है। तो ये दो टाइम याद रखिए। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन याद रखिए। कांग्रेस एक बार फिर दो पार्ट में टूट जा रही है। आप उन दोनों चीज़ों को 17 अगस्त 1918 को कांग्रेस इस बात पे एक दूसरे से अलग हो रही है कि एक वर्ग ये चाहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को सभी लोग एक्सेप्ट कर लें, ये हमारे लिए अच्छा है, भारत का मैग्ना कार्टा है। परंतु दूसरा वर्ग जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट मूवमेंट है, वो इसे असंतोषप्रद कह के सिरे से खारिज कर देता है और इसे भारत के लिए निराशाजनक और असंतोषजनक बताता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक का सबसे महत्वपूर्ण नाम सामने आता है। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इमाम हसन ने इसकी अध्यक्षता की और उनकी अध्यक्षता में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की निंदा की गई। ये सब परिवर्तन हो रहे थे। इन सारे परिवर्तनों में पूरी तरीके से अंग्रेजों को यथोचित लाभ प्रदान नहीं किए, उनकी समस्या खत्म नहीं हुई और भारत में क्रांतिकारी मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा। रॉलेट एक्ट और इसी क्रांतिकारी मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। ये रॉलेट एक्ट क्या था? व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। यह कमेटी ये जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी फैल चुकी है, इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने की थी। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में दो विधेयक लाए गए, जिसमें से एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया परंतु दूसरा, जो क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया। ये क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम रिवोल्यूशनरीज एंड एनार्किस्ट एक्ट 18 मार्च 1918 को पास कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। रॉलेट एक्ट, जिसे भारतीयों ने काला कानून के नाम से उद्बोधित किया, इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करने, उसको जेल में डालने के साथ साथ उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता था। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया। इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है।
गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। उन्होंने इस एक्ट का विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। पहले 13 मार्च को यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली में 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। यहाँ पर भीड़ में चलाई गई गोली से करीब 5 आंदोलनकारी मारे गए। इसके बाद बम्बई, अहमदाबाद और देश के अन्य नगरों में आंदोलनकारी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए। इसके बाद बम्बई, अहमदाबाद तथा देश के पूरी व्यवस्था सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी ने की। 30 मार्च को यह आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। दिल्ली में 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन की बागडोर संभाली। दिल्ली में लोगों पर गोलियां चलाई गईं। कई आंदोलनकारी पुलिस की गोलियों से शहीद हुए। इसके बाद बम्बई, अहमदाबाद तथा देश के कई अन्य नगरों में सार्वजनिक विरोध तथा हिंसा का मार्ग अपनाया गया। लाहौर एवं पंजाब में भीड़ पर गोलियां चलाई गई। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल पाल के निमंत्रण पे गांधी पंजाब की ओर चले, परंतु मार्ग में ही 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पे गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और यहाँ से ये पूरा का पूरा मोमेंट एक नए दौर में प्रवेश किया। एक ऐसी इतिहास की घटना हुई जिसने पूरे भारत को झंझोड़ के रख दिया। बाद में ऐसी इस घटना को ही इतिहास में हम जलियांवाला बाग मसाकर के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट को एक बार फिर मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। रॉलेट एक्ट भारतीयों को तुष्ट करने की कोशिश के साथ ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अंग्रेजों ने भारतीयों को हाथ में सौंप दी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ भारतीयों ने भारतीयों के ऊपर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया और उन्होंने रॉलेट एक्ट पारित कर दी। रॉलेट एक्ट भारत सरकार एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लाई थी, तैयार की थी। युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों का दमन करना ही इस एक्ट का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आतंकवादियों और क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, फांसी पर लटकाया गया या उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक राष्ट्रवादियों को भी जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने उन राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए काफी दूरगामी शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास किया। इन सरकारी सुधारों को ही या ऐसे जो क्रांतिकारी मूवमेंट हो रहे थे उनको दबाने के लिए ही यह कार्रवाई विधि शासन के मान्य सिद्धांतों के प्रतिकूल हमें दिखाई पड़ती है। मार्च 1919 में सरकार ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रत्येक भारतीय सदस्य के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पास किया। 1999 सरकार सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रत्येक भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट को पास किया। 3 भारतीय सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवी और मजहरुल हक ने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। इस एक्ट ने सरकार को अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को उस पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए तथा दोषी साबित किए जेल में से बंद कर सकती है। इस एक्ट के अनुसार सरकार को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस के अधिकार को स्थगित कर दे। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस के अधिकार ब्रिटेन के नागरिक स्वतंत्रताओं का अधिकार माना जाता था, जो भारत में इस एक्ट के द्वारा बाधित कर दिया गया। और यहाँ से जो जलियांवाला बाग मसक्केयर हो रहा है, जो एक नया स्टेप शुरू हो रहा है, जो नई आंदोलन की नई गति मिलेगी, उन चीज़ों को भी इससे कनेक्ट करके देखते हैं। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग, मैंने आप जैसा कहा कि सत्याग्रह सभा की गांधी जी ने बैठक में गठन किया, 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह मनाए जाना तय किया गया। 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद ने सत्याग्रह सभा के द्वारा इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली। देश में जगह जगह गोलियां चलाई गईं,
क्रांतिकारियों को, इन जो अहिंसात्मक आंदोलन करने वाले लोगों के ऊपर गोली चला करके उन्हें शहीद किया गया। और इसी संदर्भ में जब ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था तो स्वामी श्रद्धानंद और सत्यपाल के नियंत्रण पे, निमंत्रण पे महात्मा गांधी जी को पंजाब बुलाया गया। पंजाब की तरफ जब गांधी चले तो 8 अप्रैल 1919 को उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मसाकेर इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। गांधी जी तथा अन्य नेताओं के पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता पर्याप्त आक्रोश में थी। वह आक्रोश तब और अधिक बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल पाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा बिना किसी कारण 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी का आदेश पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने दिया था। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति के संबद्ध थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने जुलूस के आगे बढ़ने से रोकने का असफल प्रयास किया, फलस्वरूप भीड़ पर गोली चला दी गई। इसके परिणामस्वरूप दो लोग मारे गए। जुलूस ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया जब इनके दो सदस्य पुलिस की गोली से मारे गए। लोगों ने सरकारी इमारतों को आग लगा दी, 5 अंग्रेजों को जान से मार दिया। अमृतसर शहर की स्थिति से पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट बौखला आ गई। सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया। इसने 12 अप्रैल को कुछ गिरफ्तारियां करवाईं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का वो दिन, बैसाखी का त्यौहार, शाम के करीब 4 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। यह सभा किसने बुलाई थी इस संबंध में हंसराज नामक व्यक्ति का उल्लेख आता है। यही व्यक्ति बाद में सरकारी गवाह बन गया। दूसरी ओर डायर ने उस दिन 9:30 बजे ही सभा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। सभा में गांधी जी, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल पाल की रिहाई एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की गई। ऐसे में डायर ने 3 मिनट के अंदर ही भीड़ को हटने का आदेश देकर कुछ सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने फौज को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। वे तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, 3,000 लोग घायल हुए। वैसे सरकारी रिपोर्ट में इनकी संख्या 379 व्यक्ति ही बताई गई है और 1200 घायल की संख्या को सरकारी कागजों में दर्ज किया गया है, लेकिन वास्तव में यह संख्या काफ़ी बड़ी थी। इस हत्याकांड में जनरल डायर नाम के व्यक्ति ने डायर के सहयोग दिया था। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक वो काला अध्याय है जिसमें अपने को सभ्य कहने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय नेतों के ऊपर गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस कृत्य के संदर्भ में कहा था कि तुम्हारी कार्यवाही ठीक है, गवर्नर इसे स्वीकार करता है। इस बर्बर हत्याकांड के बाद 15 अप्रैल को पंजाब के लाहौर, गुजरावाला, कसूर, शेखपुरा एवं वजीराबाद में मार्शल ला लागू कर दिया गया, जिसमें करीब 288 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनको अनेक प्रकार की सजाएं दी गईं। जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग मसाकेर के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। टैगोर ने कहा
समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपने अपमान के बेतु के संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट कर देंगे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इस कांड जलियांवाला बाग कांड के बारे में थॉमसन और गैरेट ने लिखा कि अमृतसर की ये दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह। जलियांवाला बाग कमेटी के ऊपर प्रेशर, विदेशी शक्तियों का प्रेशर पड़ा, भारतीय कांग्रेस के लोगों का प्रेशर पड़ा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक जांच बना दी। हंटर कमेटी का गठन किया गया 1919 में। सरकार ने व्यवस्था में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। पांचों अंग्रेजों के नाम लॉर्ड हंटर, जस्टिन रस्किन, डब्ल्यू एफ राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो और सर टॉमस स्मिथ थे। 3 भारतीय सदस्य सर चिमन लाल सिंह तलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। 3 भारतीय सदस्यों, कुल मिला के 8 सदस्यों की हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी ने मार्च 1920 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पास कर दिया था। कमेटी के संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया। पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। समिति ने डायर पर दोष का हल्का बोझ डालते हुए कहा कि डायर ने कर्तव्य को गलत समझते हुए जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया, परंतु जो कुछ किया निष्ठा से किया। तत्कालीन भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू ने कहा, जनरल डायर ने जैसा उचित समझा उसके अनुसार बिल्कुल नेक नियत से कार्य किया, अतः उसे परिस्थितियों को ठीक ठीक समझने में गलती हो गई। डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटाए जाने का दंड दिया गया। ब्रिटेन के अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के बदले उसे मान की तलवार की उपाधि प्रदान की। इंग्लैंड के एक अखबार मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड धनराशि इकट्ठा किया। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने मार्च 1914 में लंदन में जाकर हत्या कर दी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उधम सिंह को मृत्युदंड दे दिया गया। ये था हमारा जलियांवाला बाग मसक्केर और उसके परिणाम। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने भी हंटर कमेटी की तरह ही तहकीकात कमेटी का गठन किया। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने भी जो कमेटी बनाई, उस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया। इसके अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सी आर दास, पुपुल जयकर। इन लोगों की सदस्यता में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी ने इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया और उसमें कहा, अधिकारियों की इस बर्बर कृत्य के लिए उन्हें निंदा का पात्र बनाया एवं सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु सरकार ने तहकीकात कमेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अब यहाँ से मूवमेंट एक नए चरण में प्रवेश, खिलाफत मूवमेंट का आना और एक पूरे तरीके से नए सिनेरियो में पहुंचना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बात करेंगे इन चीज़ों पे, खिलाफत पे, नॉन कॉपरेशन पे, और फिर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। गुड बाय, टेक केयर।